के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या मृत से समानता विशुद्ध रूप से आकस्मिक और अनजाने है। अरे क्या रुद्रा भाई, लाइट तो बंद कर दे। लाइट बंद कर। ओके ना भाई। अरे अपना भाई आ गया, आओ भाई। ओ भाई बहुत देर से आ गए। अरे लाला। अरे जय भाई यार, लाके बहुत गजब दिख रहा है। कहाँ से लिया भी, देना भी मुझे। ले लेना तेरे लिए, बात है क्या? लेना
अरे रुद्रा भाई बॉटल मत घुमा, लग जाएगी किसी को। आना भाई लग जाएंगी ना किसी को, रुक जा। अरे कुछ नहीं होता भाई, मैं भी हूं, मैं बॉटल भी हूं, मैं ये क्या कर दिया रुद्रा भाई? नहीं भाई, मैं जानबूझ के तो नहीं किया। मैं तुमसे तब से कह रहा था कि नहीं कब बॉटल मत घुमा। एक मिनट, इसकी सांसें चेक करने दो मुझे। इसकी नस भी नहीं चल रही, शायद ही मर गया। गुरुजी कुछ भी कर लो पर मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को पता लगने से पहले या फिर पुलिस को खबर होने से पहले इसकी बॉडी को कहीं तो भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। और हाँ, इसका खून और जितने भी शराब की चीज़ें सब की सब अभी कभी यहाँ से नहीं मिटा दो, और हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, 12 बज चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी बॉडी को ठिकाने पर लगाते हैं। चलो गुरुजी, गुरुजी इसको इसमें लपेट लो, चलो इसको साइड में लो, चलो जल्दी जल्दी। ओके ठीक, एक मिनट देख देख लूं मैं कोई है तो नहीं। गाड़ी के पास आ जाओ जल्दी, गाड़ी की डिक्की खोल। एक मिनट बॉडी को पकड़ो तुम, एक मिनट। ठीक है गुरुजी, चलो एक मिनट मैं यहाँ का सामान निकाल देता, चलो बॉडी को डालो जल्दी से, फास्ट, धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ओके, जय की लाश को किसी को पता लगने से पहले सबसे छिपा के दूर लेके जाते हैं। चलो जी, अब कहाँ जाना है अपने को? यार मुझे भी नहीं पता, बस लेके जा रहा हूँ कहीं तो भी। कुछ भी कर जी, प्लीज बॉडी से छुटकारा दे दो जी। ये बात उस करने से पहले सोचना चाहिए था, अब सोचिए तो मुझे कुछ। अगर किसी को जगह पता है तो प्लीज बता दो। गुरुजी मुझे एक जगह पता है, चलिए वहां चलते हैं। सच में? ठीक है, कहाँ है वो जगह? यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे एक घाटी है, वहां पे हम इस बॉडी को दफना सकते हैं। पर एक दिक्कत है। पर क्या दिक्कत है? गुरुजी वहां पे एक आदमी रहता है, हम उसको पैसे दे देंगे तो अपना काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, फिर वही चलते।
गुरुजी रोक दो। हमारा एक काम पूरा हुआ। ओके, अब बॉडी को कहीं तो भी लेके जाते हैं। चलो नीचे रख दो। गुरुजी वो रहा, उसे आप बात कर। कौन है वहां पर? यहाँ क्यों आए हो? देखिए, हमें आपकी बहुत जरूरी मदद चाहिए। हमें मदद कीजिए। किस तरह की मदद चाहिए? ठीक है, मैं आपके काम में साथ दूंगा। थैंक यू। ये ला, आपके काम का दाम। ये लो, जल्दी जल्दी कर लो। रखो फिर बेच बड़ी कपूर। अब इसकी आत्मा जा चुकी है, इस पे मट्टी डाल दो। पूरी तरह से इसको चलो यहाँ पे ये किस्सा खत्म होता है। चलो ये रहा, इसका तो कोई काम नहीं। चलो चलो गुरुजी। क्या हुआ? जय का लॉकेट। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जाके रख दो। आप जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। अरे ठीक है, दो मुझे। ठीक है, तुम गाड़ी के पास वेट करो, मैं अभी रख के आता हूं।
कोने वहां पे गुरुजी। गुरुजी, जय कैसा है मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे, प्लीज आप कल जल्दी से आ जाइए।
डरा दिया यार, तूने तो बोला था कल फोन करके आओ करके, तो हम आ गए। बोलो। अच्छा गुरु जी आप आ गए, मुझे आपको सारी बात पता नहीं है। अच्छा ठीक है बोलो। अब ये पूरे कहानी से एक बात तो क्लियर है। देख रुद्र भाई, ये सारी बातों से एक बात तो क्लियर होती है कि वो 15 दिन पहले जो हादसा हुआ उसके वजह से तेरे दिमाग में असर हुआ है और कुछ नहीं। हाँ रुद्र भाई, गुरुजी जो बोल रहे हो वो सही बात है। मुझे भी यही लगता है रुद्र भाई, आपको वहम हो चुका है। नहीं सर, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये मेरा वहम नहीं है, आपको लगता है, आप खुद देख लो रूम। अच्छा ओके, तुम बोलते हो ना तो हम तीनों जन का जाके रूम देख लेते। ओके चल मुझे आपकी, चलो देख लेते। कौन सी बटन है? हाँ ठीक है। ओके तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ठीक है ये सारा तुम्हारा वहम है। अरे कुछ भी, ये देखो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये पाइप गिरने की आवाज थी बस, तुम भी ना खामा खामा। ये क्या हो रहा गुरुजी,
लगता है हवा की वजह से ये सारी लाइट्स हैं। ओह शिट, लाइट दे। विजय जाके कैंडल लगा। ठीक, अभी लाता हूँ। ठीक है गुरुजी, इन बत्ती लेके आ गया। ठीक है, एक काम करो, वहाँ पे जाके देख लो। जो बोल रहा था वो सही बात है, जय का साया है। मैं तो कह रहा था आपको सर, गुरुजी अब तो मान लीजिए। हाँ गुरुजी, ये दोनों पागल हो चुके हैं, मैं कुछ आ रहा था। अब तो मान लो गुरुजी, गुरुजी मैं भी ये पास। अरे ये क्या क्या तुम जिंदा हो? पर तुम तो मर गए थे। हमने तो तुम्हें दफना दिया था, फिर तुम वापस कैसे आए? हाँ आया हूँ मैं, तुम चारों ने मिलके मुझे दफनाया था। तुम चारों का मैं अब खून करके मैं खुद का बदला लूंगा। अमावस की रात आज तुम चारों को मैं दफना दूंगा। और तुम चारों में से सबसे दर्दनाक मौत होगी इस रुद्र की। भैया
गुरुजी लगता है कि उसने अक्की को मार डाला। गुरुजी गुरुजी वो सबको आप सबको मार डालेंगे गुरुजी गुरुजी। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज। कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम चाहे तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पर तुमने वहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम दोनों का हश्र भी वैसा ही होगा। अभिमन्यु, तुमने मेरे शरीर को वहां दफनाया था, अब तुम्हें भी वैसे ही मैं खत्म कर दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मौत से खेलने का? अब वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। नहीं, नहीं। मेरा तो पेट दुख रहा है। एक मिनट, उसको भाई को सदमे से आजा, टेंशन मत ले, जस्ट आजा 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 आजा, टीचर बदले, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। आजा जे भाई, चेयर ले, विजय भाई चेयर ला, ला बीच में ला, टेंशन मत ले, बैठो बैठो बैठो, सब नॉर्मल है, आजा, ओके, टीचर बदले, ओके, सब नॉर्मल है। फट के हाथ में आ गई ना तेरी। क्या था ये सब, ये सब क्या था? रुद्र भाई, This is revenge. बदला। अब स्टोरी को शुरुआत से शुरू करते। अकी भाई लाइट लगाना थोड़ा सा। हाँ, तो कहानी ऐसी हुई, जिस रात तुम्हारे घर में पार्टी थी तो हम सबको तुमने बुलाया तो सही, फिर जाने अनजाने में तुमसे गलती हो गई कि उसके सर पे तुमने बॉटल मार दी। उस बॉटल मारने की वजह से इसके सिर्फ सर पे चोट आई थी और ये मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। अब उसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। अब मैंने सोचा कि अब इतना हो ही चुका है तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, तुम्हारी बॉटल लगने की वजह से जय सिर बेहोश हुआ था और हमें तुम्हें ऐसा दिखाना था कि जैसे जय सच में मर गया हो। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने ये सब सारी प्लानिंग तो वैसे मेरी थी, फिर अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना, ये सारी चीज़ें निकल वैसे आगे बढ़ती, बस स्टोरी के साथ चलती गई। फिर ये बात
अक्की को और विजय को तो पता नहीं थी। फिर अक्की और विजय को सारी बात बताई और वो दोनों भी इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। जो लाश को ठिकाना ये सारी लगाने की चीज़ थी वो सारी इस प्लान के साथ साथ जुड़ती गई। अब जब लाश को जब ठिकाने लगा था तब ये तब उसको होश तभी आ गया था जब वो कार में था। फिर विजय ने वो जगह बताई। फिर जगह बताने के वक्त वो जगह एक्चुअली उसे ही पता थी, मुझे भी पता नहीं थी, क्योंकि अगर मैं लाश को लेके जाता तो शायद मैं कहीं पे और रख दें, पर वो कोइंसिडेंसली इसने जगह बता दी। फिर वो आदमी मिला, उस आदमी को सारी सच्चाई बताई और जय की लाश को दफनाने के लिए उससे सामान लिया और उसके बाद फिर प्लान आगे बढ़ते गया और इसी तरह हमने इस काम को अंजाम दिया। सिंपल सी स्टोरी हुई। पर वो आदमी भी तुम्हारे साथ शामिल था? शामिल तो नहीं था, पर उसको पैसे देके हमने बात मनवा ली और वो मान भी गया उस चीज़ को लिए। हुआ क्या है कि अपने हमारे एक दोस्त के हाथ से नहीं का सर पे थोड़ा बॉटल लगने से नहीं का उसकी डेट हो गया, पर वो मरा नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम बस नहीं का थोड़ा सा उसको मस्ती हंसी मजाक करने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। बस हम आपको थोड़ा सा आप पैसे ले लीजिए और हमारे किसने का कार्यक्रम में थोड़ा सा साथ दीजिए, बस इतना कीजिएगा प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर बात ऐसी बढ़ती गई और उसने काफ़ी मदद की। फिर जय की लाश वहाँ से यहाँ आई कैसे? याद है तुमने वो जो लॉकेट जय का पहना था, वो ये लॉकेट वो तुमने गलती से तुम्हारे गले में था और तुम भूल गए थे, तो फिर वापस देने जब जाना था तब मैंने ये लॉकेट वहाँ पे फेंका तो था। उसके बाद फिर जय के शरीर से सारी मिट्टी हटाई, उसको बाहर निकाला और उसको कहा कि पीछे से आ जाए। इतनी देर लगा ली यार, अरे क्या करूँ, चलो उठो, सब ठीक है। और हाँ एक बात सुनो मेरी बात, हम गाड़ी से जाते हैं, तुम मेरे पीछे से आना, फिर मैं बाद में तुम्हें रिसीव कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। और ये सारी चीजें तुमने की कैसे? तुम आने से पहले ये सारी चीजें हमने पहले से सेटअप करके रखी थी। विजय को सारी बात बताई, अक्की को सारी बात बताई, ये और ये दोनों हमारे प्लान में शामिल होने के रेडी भी हो गए। तो फिर क्या, तुम आने से पहले सारा सेटअप लगाया और सारे वीएफएक्स की चीज़ें हमने की और काफ़ी कुछ चीज़ें तो जय ने खुद की। अब भाई उसका भी टैलेंट तो है ही, बनता तो है, समझे? तो पर मुझे ये सारी चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही है? पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही करने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? अब ये सारी बात जय बताएगा। याद है तुम्हें वो 2 फरवरी के दिन? रुद्र राहु, हेलो, हाँ बोलो ना, अभी आओ प्रदीप के घर में, क्यों कुछ काम था क्या? ठीक है ना, आता हूँ। ये मुझे बुलाकर कहाँ चला गया? रुद्र, साला ये तो सबसे ज्यादा डर गया है। अरे रुद्रा भाई, इतना तो हम भी नहीं डरे जितना ये फटू निकला।
यार तुम्हारी मजाक की वजह से मेरा सर फूट गया पूरा। अरे भाई दोस्तों पे मजाक नहीं करें तो कहाँ करेंगे भाई। अरे जान दो भाई उसको, सर पे लग गया है। जा जय भाई जाके तू। देखो तुम्हारे मजाक की वजह से मेरा पूरा सर फट गया है, खून निकल रहा है पूरा। क्या सच में? देखो तो। अरे रुक जा विजय। अरे विजय ये करामत रुद्रा की है, इसे इसी ने पानी में पोटेशियम डाला था इसलिए वो लाल दिख रहा है। क्या करे जय, आदत से मजबूर, मजाक करने की आदत जाती नहीं मेरी। अरे कुछ नहीं होता जय, जहाँ पानी से धोले निकल जाएगा वो पूरा। अरे अभिमन्यु सर। अरे जय कैसे आना, आओ बैठो। मैं वैसे ही आया था, कुछ मिलना था इसलिए। अरे पर हुआ क्या है, चेहरा काफी लटका हुआ लग रहा है। क्या कहूँ सर, रुद्र की वजह से बहुत परेशान हो गया। ठीक है पूरी बात बता, हुआ क्या है? ठीक है मेरे पास कुछ प्लान है। हाँ जय अब मैं समझ गया हूँ। चलो यहाँ पे पिक्चर खत्म होता है, सो मिलते हैं रुद्र भाई, गुड नाइट। चलो बाय। चलो मिलते हैं रुद्र भाई। चलो रुद्र मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ये चीजें मैंने की कैसे और मुझे याद क्यों नहीं है? मेरी चाय। अब इसका कुछ काम नहीं।
मेरी चैन। एक मिनट, इन्होंने तो दफना तो दिया पर उन्होंने कहीं उसी जगह पे तो नहीं दफनाया।